नगर निगम सदन की 17वीं पेपरलेस बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन में संपन्न हुई। बैठक में 16वीं बैठक के कार्रवाई की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई। नगर निगम गोरखपुर के पुनरीक्षित बजट 2020-21 एवं मूल बजट 2021-22 पर विचार विमर्श कर कार्यकारिणी समिति के स्वीकृति के क्रम में दोनों बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। सेवा भारती गोरक्ष प्रांत माधव धाम दयानंद मार्ग राजेंद्र नगर पूर्वी गोरखपुर को एम्स के मरीजों के लिए आवासीय भवन निर्माण हेतु नगर निगम भूमि को लीज पर दिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। शौकत अली पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अली के पक्ष में कौवादाह खूनीपुर में पुराने कॉम्प्लेक्स के पूरब तरफ बने पंप हाउस के दक्षिण तरफ 527 वर्ग फीट भूमि किराए पर आवंटन हेतु विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में सदन में संबंधित प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रति वार्ड 30 लाख विकास कार्य कराने हेतु पार्षद वरीयता के आधार पर सभी 80 पार्षदों की संस्तुति पर महानगर में विकास कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया था, उसका अनुमोदन सदन द्वारा कर दिया गया। साथ ही अध्यक्ष की अनुमति से अनेक प्रस्ताव पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर विचार कर निर्णय लिया गया। महापौर द्वारा बैठक समाप्त करने से पूर्व सभी पार्षदों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक संपन्न कराने हेतु एवं नगर निगम के बजट को पास करने हेतु बधाई दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, और इस माननीय सदन की कार्रवाई के एजेंडे में प्रथम में जो है नगर निगम के माननीय सदन की 16वीं बैठक जो कि 19 जनवरी 2021 को हुई थी उसकी कार्रवाई की पुष्टि होनी है। 16वीं बैठक में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि 16वीं बैठक में कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था और उसके अतिरिक्त और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चूंकि माननीय कार्यकारिणी का चुनाव हो चुका है और माननीय कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित सदस्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग भी ले चुके हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है सदस्य की इस कार्रवाई की पुष्टि औपचारिकता मात्र है जिसे किया है। 2020-21 एवं 2021-22 के मूल बजट पर विचार विमर्श, तो चूंकि माननीय महापौर जी के निर्देश के अनुसार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई के अनुकरण में माननीय सदन ने भी ये निर्णय लिया है कि हमारी कार्रवाई पेपरलेस होगी। सभी माननीय सदस्य के फोन पर बजट एजेंडा बजट भेजा जा चुका है और माननीय सदस्य की सुविधा के लिए सामने बजट दिखाया भी जा रहा है। बजट पर आइए, ₹30 लाख का जोड़कर बजट में अलग से प्रावधान कर दिया गया वो पैसे का, जिससे कि होने वाले कार्यों में और उस कार्य को होने के बाद भुगतान में कोई समस्या ना, तो बजट में थोड़ा सा ये संशोधन किया जाए कि 30 लाख रुपये पर माननीय सदस्य के हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो बजट में अलग से निर्धारित कर दिया जाए। सदन के सामने तो ऐसा कोई विरोध का कारण मुझे नहीं दिखता है कि आप और हम मिलकर ये तय न कर ले। लेकिन मैं अकाउंट अफसर साहब से ये चाहूंगा कि बजट के बारे में संक्षेप में बात करें और यह भी बताएं कि क्या पार्षद वरीयता जिस पर अक्सर हम चर्चा करते हैं, ये पद ये शब्द जो पार्षद वरीयता है उसमें क्या कोई व्यवस्था बजट में की जा सकती है? क्योंकि परंपरागत रूप से नगर निगम की जो निधि है जो हमें टैक्सेशन से मिलती है उसी से हम पार्षद
वरीयता यानी पार्षद माननीय पार्षद के अनुशंसा में कार्य कराते हैं। वो आप और हम जानते हैं कोरोना काल में थोड़ा सा भी हम पीछे चल रहे हैं पिछले वर्ष से। पिछले वर्ष लगभग 22 करोड़ रुपए आया था, इस बार अभी 3 करोड़ रुपए हम पीछे चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग पिछले सालों में 50% ब्याज में जो छूट देते थे वो इस बार हम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि मीटिंग्स में उत्तर प्रदेश शासन की जो मीटिंग होती है उसमें ये कहा गया कि लोकल स्तर पर स्थानीय स्तर पर ऐसा निर्णय लिया जाना कदाचित विधि के प्रतिकूल है, इसलिए इस बार ये निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये बहुत बड़ी धनराशि में टैक्स से प्राप्त होने वाली है, तो लगभग 22 करोड़ में पहुंच जाएंगे, करने वाली बात भी है। अब नगर निगम में कितनी देनदारी है ये देखते हुए इस 22 करोड़ का सर्वाधिक सदुपयोग क्या हो सकता है ये आपको ही तय करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय को इस बारे में निर्णय लेना है। तो मेरा ये कहने का आशय नहीं कि कोई धनराशि तय नहीं होगी, तो कोई धनराशि तय नहीं होगी, लेकिन ये आपको हमारे आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लेना है। ऐसा भी निर्णय मेरा अनुरोध सिर्फ ये है कि ऐसा भी निर्णय न लिया जाए कि जिसको लागू कर पाना कठिन हो और ये निर्णय हवा हवाई, ऐसा निर्णय लिया जाए जो ठोस हो और जिस पर हम कार्रवाई कर सके। कुछ दर्द उमड़ा उभर गया, इनकी सरकार और जिनका नगर निगम महापौर और सदस्य ज्यादा और 500 करोड़ की बात की करने वाले लोग और 500 करोड़ आपके महापौर नहीं है, हमारे भी तब गए इसके कारण जिस सदन में हम बैठे हैं आपके महापौर माननीय महापौर के 500 करोड़ का बजट। और बड़ा दुर्भाग्य की नगर साहब आज से हम लोग के साथ नगर निगम में नहीं रहेंगे, विभिन्न स्थानों पर मुलाकात होगी और आप द्वारा 30 लाख की घोषणा करने के बाद नगर विभाग के सामने ये कह दे रहे हैं कि 30 लाख प्रत्येक वार्ड में बताया है कि हम 30 लाख प्रत्येक वार्ड में बैठक करेंगे। बहुत ही दिनों के बाद कोरोना काल के बाद एनेक्सी भवन में हमारे सदन की 17वीं बैठक हुई है।
जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। इस एजेंडे में पहला बिंदु था कि पिछले सदन की कार्रवाई की पुष्टि, जिसे सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की है, मेज थपथपाकर स्वागत किया। साथ ही नगर निगम की पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया। जो बजट कार्यकारिणी ने पास किया था उसे सर्वसम्मति से मूल बजट को स्वीकार कर दिया गया और उसे पास कर दिया गया। सेवा भारती गोरख प्रांत को, जो एम्स में आए हुए बीमारों के साथ जो उनके घर वाले आते हैं उनके रहने की व्यवस्था सेवा भारती गोरख प्रांत करती है। गोरखपुर में सेवा भारती गोरख प्रांत को हमारी सरकार के निर्देश के अनुसार उन्हें 30 डिसमिल जमीन एम्स के पास झारखंडी मंदिर के पास लीज पर देने की सदन ने स्वीकृति दी है, जिसे हम लोग सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज देंगे। साथ ही गोरखपुर में एम्स के मरीजों के लिए एक भूमि दी गई है, जिसका उपयोग इसी काम के लिए वो लोग करेंगे। साथ ही एक अनावश्यक विषय जिसे कार्यकारिणी ने अस्वीकृत किया कर दिया था, शौकत अली नगर निगम की जमीन पर बहुत दिनों से काबिज थे। तमाम कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें गोरखपुर नगर आयुक्त को निर्णय लेने की नियुक्ति की थी, लेकिन नगर आयुक्त के निर्णय को हाईकोर्ट स्वीकृति नहीं दे सकता। पुनः कार्यकारिणी और बोर्ड ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया है। इसके बाद कुछ सदस्यों ने प्रकाश बिंदु, जो शहर में नहीं जल रहे हैं, उस पर चर्चा की गई और जो ठेकेदार हैं उनको पैसे भी 28 करोड़ रुपया नगर निगम भुगतान कर चुका है। अगर वो काम करने में अक्षम होंगे तो नगर निगम यहाँ के पार्षदों के आग्रह पर उन प्रकाश बिंदुओं को जलाने का, लाइट लगाने का काम करेगा। इन सब बातों पर चर्चा हुई और बहुत ही खुशनुमा माहौल में चर्चा हुई है और सभी प्रस्तावों को सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि रही है और मैं नगर आयुक्त सहित अपने सभी अधिकारियों, उपसभापति और सभी पार्षदों को इसके लिए मैंने बधाई दी है, धन्यवाद दिया है कि इसी तरह से बैठक होगी तो अधिकांश सकारात्मक कार्य शहर में हो सकेंगे और शहर हमारा आज जो विकसित हो रहा है उसमें चार चांद लगेगा।